ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम पंजाब में हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही बढ़िया धरती नवांशहर में है और प्रोफेसर साहब के पास बहुत ही शानदार कटड़ा। ये कटड़ा जो है हमारे जो एरिए के पशु हैं उन्हीं की ब्लड लाइन का है। सारी बातें प्रोफेसर साहब से पूछेंगे, इनके गांव का नाम पूछेंगे। मेरे को तो बस यही पता है कि नवांशहर ज़िले में हम अभी खड़े हैं। कटड़ा जो है बहुत ही शानदार तैयार किया है और इस ज़िले में बहुत सारे भाई हमारी वीडियो देखने वाले हैं, बहुत सारे भाई हमसे पशु भी लेके जाते हैं। इस एरिए में पशुओं के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत ही कम है, लेकिन प्रोफेसर साहब मैं कहूँगा एक मिसाल इस एरिए में बनने जा रहे हैं, बने हुए हैं और इस कटड़े का सीमन भी इन्होंने तैयार करवाया है। तो बहुत ही शानदार कटड़ा, इसकी पूरी ब्लड लाइन पूछेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे और ऐसे ऐसे कटड़े हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर गांव में तैयार होंगे तो मैं कहूँगा पशुपालन का जो काम है वो आगे तक जाएगा। और अभी प्रोफेसर साहब ने ही हमें बताया कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने दूध के रेट भी बहुत बढ़िया कर दिए हैं, रेट बढ़ा दिए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन कटड़े के बारे में डिटेल से प्रोफेसर साहब से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार सुरेंद्र भाई। नमस्कार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इतने हमारे दूर इतनी दूर से चल करके आए। हम सब अपने इलाका निवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं। सुरेंद्र भाई, मेरे गांव का नाम है रत्तेवाल। रत्तेवाल तहसील है जो बलाचौर है। ये शहीद भगत सिंह नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, 25 किलोमीटर पे है। नवांशहर इसी को बोलते हैं? नवांशहर उसी को बोलते हैं, पहले उसका नाम नवांशहर था। अभी जो शहीद भगत सिंह जी है उनका गांव हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिल्कुल नवांशहर के पास में है। अच्छा अच्छा। उसके कारण ही इसका नाम अभी डिस्ट्रिक्ट का बदल के शहीद भगत सिंह रख दिया। अच्छा अच्छा। शहीद भगत सिंह नगर। ठीक है जी, ठीक है। तो गांव ये कौन से रोड पे पड़ेगा सर अपना? जो NH 344A है ना, उसके आगे उस रोड से, रोपड़ से 20 किलोमीटर के बाद काठगढ़ आएगा। काठगढ़ के पास ही है ये गांव रत्तेवाल। ठीक है, जॉइनिंग ही समझ लो काठगढ़ के। ठीक है सर। तो सर ये भी बताइए कि बढ़िया नौकरी करते हुए और भी बढ़िया बिजनेस करते हुए पशुपालन का शौक कैसे पैदा हुआ? ये सुरेंद्र भाई बस कुछ नहीं है, आपके वीडियो वगैरह देखते रहते थे। अच्छा। मेरे को याद है मैं कहीं इलेक्शन की मैं ड्यूटी में था, तो आपका नंबर मिल गया मेरे को इंटरनेट से। अच्छा। आपसे बात करी, आपसे बोला कि भैंस लेनी है, आपने वो कहता कि एक भैंस के लिए हरियाणा में क्या आओगे, मैं आपको इधर अपने आस पास ही दिल कहीं दिलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। करमजीत खैरा का नंबर दिया, फिर उसके बाद उनसे हम भैंस लेके आए थे जिसका ये बच्चा है। अच्छा, तो कितना दूध देती थी जी वो भैंस? वो सुरेंद्र भाई हमारे पास उसने 20-21 किलो दूध दिया उस भैंस ने। अच्छा, 20-21 किलो। हाँ जी। कौन से ब्यांत में दिया दिया जी? साढ़े लैक्टेशन की थी उस टाइम में। अच्छा, तो फिर तीसरे चौथे ब्यांत में तो बढ़ता दूध उसका। उसके बाद फिर मेरी बुआ जी का लड़का लुधियाना ले गया था, उस टाइम भी फिर उसने इतना के दूध दिया, क्योंकि उधर थोड़ा वातावरण का फर्क भी पड़ जाता है। डेयरियों में थोड़ा इतना कच्चा नहीं होता, सारे पक्के पे रहती, नहीं तो इधर रहती तो बढ़ भी जाती दूध। बड़ी डेयरी है उनकी? हाँ, उनकी बहुत बड़ी डेयरी है लुधियाना में। अच्छा अच्छा। तो वो ले गए थे हमारे से भैंस। तो इसका फादर कौन है जी बुल का? इसका फादर जी सम्राट तल्लू वाला, जो उमेश भाई वाला है ना। हाँ हाँ। वो इसका फादर है। तो उसका सीमन आपने ही रखवाया था? नहीं, उसका सीमन वो खैरा वाले हमारे बहुत जानकार बन गए, उन्होंने सारा उसका रखा हुआ था रिकॉर्ड भी। हाँ हाँ। तो काफी सीमन उसका सिलेंडर में भी उस टाइम भी पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। सारे पशु लगभग सम्राट से ही गबन थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी टाइम जब सुमेश भाई सीमन देने गए थे, मैं उस टाइम साथ ही था सुमेश भाई के। तो ये भी बताइए सर, इसकी एज कितनी होगी बुल की? सुरेंद्र भाई इसकी एज 34 मंथ की होगी लगभग। तो ये 2 दिसंबर को बेसिकली 3 साल का आ जाएगा, पक्का डाटा है हमारे पास। अच्छा, 2 दिसंबर को। हाँ जी। दांतों में कैसे है सर ये? दांतों में अभी ये तोड़ गया, वो 2 दांत के बाद एक तोड़ गया साइड वाला। अच्छा, चार में चला। चार ही हो गया समझ लो। हाँ जी, चार ही हो गया। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो इस सर इसका बुल का नाम भी रखा है कुछ आपने? नाम हमने ट्रम्प रखा है। ट्रम्प? जब ये डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प, वैसे ट्रम्प ही बोलते, डोनाल्ड तो नहीं बोलते। तो इसका क्या था कि उस टाइम में ट्रम्प की पूरी थी, तो पूरी जैसे कहते हैं फेमस था वर्ल्ड में, तो लक्ष्मी वालों ने मोदी रखा तो हमने फिर ट्रम्प रख लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है।
मोदी की भी चढ़ाई थी, मोदी उस टाइम आया नहीं था, उससे पहले ही रख दिया था उन्होंने। उन्होंने तो फिर गुजरात देख लिया था ना पहले। ठीक है ठीक है। हाँ जी भाई। तो सर ये भी बताइए कि इसका सीमन कहाँ से तैयार करवा रहे हैं आप? हमने करनाल से कराया जी। करनाल से? हाँ जी। तो सीमन क्या रेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ फार्मरों? सुरेंद्र भाई हमने डॉक्टरों को जो दे दिया वो 60 रुपीज में दिया, मात्र 60 रुपए में। हाँ, कोई पैसा कमाने का तो हमारा मंतव है ही नहीं। हम तो सिर्फ नस्ल सुधार के लिए काम करना चाहते हैं। डॉक्टर को बोल दिया कि हर जो आपके पास कहीं से फोन आता है ये हर किसान की पहुंच में होना चाहिए। बिल्कुल। आप बोलोगे ये 300 का टीका है, इतने का है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहते हैं घर घर में इस ट्रंप का कटड़ू होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। नस्ल का पूरा सुधार करने का हमारा पूरा कोशिश है, अपने एरिया को आगे लेके जाने की। वहाँ बस यही बात है सुरेंद्र भाई। ठीक है ठीक है। आगे इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे हो समाज सेवा करके? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बस आपको भी पता है कैसे बनता है सीमन। बिल्कुल। 60 रुपीज में तो इसकी खुराक भी नहीं हमारे से निकलेगी। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोफेसर साहब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक बार मैं सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो दिखाना चाहूँगा, कटड़ा देखिए। बिल्कुल छोटे सिंह का, सम्राट का बेटा, जिसके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आए हैं और जिसकी कटड़ियाँ अभी दूध पे भी आने लगी हैं। बहुत ही शानदार कटड़ा, बिल्कुल पतली चमड़ी आप देख सकते हैं, नसें बिल्कुल चमक रही हैं और ताज़ा ताज़ा बाल काटे हैं प्रोफेसर साहब ने, बाल कटवाए हैं ताज़ा ताज़ा। और इस कारण से थोड़ी सी जो लाल सा कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन धूप में बंधेगा थोड़े दिन तो बढ़िया कलर हो जाएगा। गर्दन देखिए काफ़ी लंबी है और जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाएंगे पीठ देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, जो बुल वी शेप में एक मुर्रा नस्ल होती है उसी टाइप से बुल देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पीठ पुठा। ज़्यादा तैयारी में भी नहीं है, ये भी नहीं है कि ज़्यादा मांस चढ़ा हुआ है, और बहुत बढ़िया जो ब्रीडिंग के लायक हम जिसे बुल को कहेंगे वो क्वालिटी बुल में। पूँछ बिल्कुल, शायद वाइट बाल है ही नहीं। नहीं नहीं कोई बाल नहीं है, कोई बाल वाइट है नहीं। और टेस्टिकल देखिए बहुत ही बढ़िया, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। एक आधा जो टेस्टिकल जो मैं बार बार बताता हूँ कि घुटनों से नीचे चले जाते हैं वो बात भी नहीं है, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही बढ़िया आकार टेस्टिकल का। और कटड़ा देखिए बहुत ही शानदार। तो जितनी देर आप देखेंगे देखते रह जाएंगे। जब हमने यहाँ के कटड़ा देखा, आगे इन फ्यूचर हम जो पंजाब का कंपटीशन होना है, PDFA का कंपटीशन होना है, वहाँ भी हम इस बुल को देखेंगे। और प्रोफेसर साहब की मैं कहूँगा मेहनत को हम सलाम करते हैं, जो इतना अच्छा कटड़ा तैयार करके अपने एरिए में और बिल्कुल ही रीजनेबल रेटों में इसका सीमन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब आगे कोई कंपटीशन वगैरह की क्या तैयारी है जी? सुरेंद्र भाई हमारी तो लास्ट ईयर में भी थोड़ी तैयारी थी। हाँ हाँ। उस बार कंपटीशन नहीं हुए। हाँ, हुए। हम कोशिश करेंगे कि हर कंपटीशन में इसको लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा। बाकी आपको पता ही है वहाँ हरियाणा से आगे बड़े से बड़े कटड़े हैं। हाँ, हाँ, तो उनके साथ इसको रिंग में तो खड़ा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही बढ़िया कटड़ा और बिल्कुल रीजनेबल रेटों में। तो प्रोफेसर साहब नंबर कौन सा देना चाहेंगे आप अपना, अगर कोई किसान भाई यहाँ से? नंबर सुरेंद्र भाई वैसे तो नंबर मैं और कोई दे दूंगा बाद में। अच्छा, अभी अच्छा। तो मेरा नंबर यही दे दो कि इस पे पर फोन 2 बजे के बाद करना ठीक रहेगा क्या? कोई नहीं, आप और नंबर दे देना, 2 बजे की कोई नहीं सुनेगा क्योंकि मैं सारा दिन अटेंड करता हूँ। अच्छा, फोन कोई नहीं देखता, रात को 12 बजे भी घंटी बज जाती है। चलो कोई बात नहीं, नंबर मैं आपको और दे दूंगा। ठीक है ठीक है। तो नंबर जो प्रोफेसर साहब ने हमें प्रोवाइड करवाया है वीडियो के बाद में, वो नीचे स्क्रीन में भी चल रहा है। प्रोफेसर साहब ये बताइए, इस फील्ड में बहुत सारे भाई हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हम कोई पढ़ाई लिखाई को इस काम से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी जो ब्रीडर भाई हमारे हैं वो इस काम को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। लेकिन आप जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद इस फील्ड में थोड़ा बहुत हमारा योगदान दे रहे हैं पशुपालन के मामले में, तो हम जानना चाहेंगे कि आप जो पशुपालक भाई हैं हमारे, नए इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो भी पशुपालक हैं अपने पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सुरेंद्र भाई यही संदेश है कि हमने तो ये काम शौक के लिए किया था। हाँ। अब ये बिजनेस भी बनता जा रहा है। हाँ। कि आप अच्छे पशु रखो, बजाय के 2 भैंस रखने के एक ही रख लो। हाँ। हरियाणा से बढ़िया भैंसे मिलती हैं, जैसे अब तो थोड़ा थोड़ा पंजाब में भी सुधार आ रहा है। हाँ। तो अच्छे पशु रखो, जैसे 18-20 लीटर वाली भैंस रखो, नहीं तो हमारे तो इधर आमतौर पे 2 भैंसे देती इतना दूध। अच्छा पशु रखोगे, एक पशु रखोगे उसमें आपकी जो रनिंग कॉस्ट भी कम लगेगी, तो उसका आउटपुट बढ़िया आएगा। दूसरी बात यह है कि आजकल दूध के रेट बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले तो हमारे गाय का दूध था जो 23-24 रुपए लीटर था, अब 30 रुपए तक आम बिकना शुरू हो गया, बिना फैट के दूध वाले मांग रहे हैं कि बिना फैट के ले लेंगे। भैंस का 50 रुपए यहाँ से लेके जाते हैं हमारे आके।
अच्छा दूध, वो ऐसे नहीं कि कोई जैसे हमने कोई पूरे पंजाब में ये हाल है कि चंडीगढ़ के नजदीक पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में वेरका का रेट काफी चला गया ना, 68 तक चला गया। अच्छा अच्छा, 10-0 का 68 तक चला गया। ठीक है ठीक है, तो उसी हिसाब से ये रेट, वैसे भी पहले भी थोड़े दिवाली के नजदीक अप होते हैं, इस बार जो दूध वाले हैं बोल रहे हैं कि कम नहीं होंगे, दिवाली के बाद भी अच्छे रेट रहेंगे। ठीक है ठीक है, तो अभी ये कोई माड़ा धंधा नहीं है, अच्छा धंधा है, नस्ल वाले पशु रखो, उनके कटड़े कटड़ियां तैयार करो, तो उससे आगे ब्रीडर, जैसे हरियाणा में बड़े बड़े ब्रीडर बैठे हैं, वैसे हम क्यों नहीं बन सकते, किसान किसान तो खुद काम करता है, ब्रीडर ने तो नौकर रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, हम तो खुद काम करने वाले लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, तो हम तो उनसे भी आगे निकल सकते हो। बिल्कुल निकले ही पड़े हैं जी, बिल्कुल, अगर मेहनत की जाए तो क्या नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मेहनत कर रहे हो, अच्छे पशु रखो, खुद हाथों से आप काम करते हो, जो गांव वाले लोग हैं, तो ब्रीडरों ने नौकर रखे, उनसे आगे निकलेंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे अच्छी पैसे, अभी हमारे इलाके में सुरेंद्र भाई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, मैं काफी लोग ने जो हरियाणा से पैसे लेके आनी शुरू कर दी, इधर पंजाब की मंडियों से पैसे नहीं लेते, तो एक बार सोचते कि थोड़ी महंगी तो आती है, लेकिन वो एक उसका बच्चा भी निकल जाता है, एक तो तैयार हो जाता है, एक बच्चा तैयार हो जाता है, दूध अच्छा दे देती है, एक साल में अपने पैसे पूरे कर देती है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। और जो पशुपालक भाई ये वीडियो हमारी, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने हमें बताया हरियाणा पंजाब में तो बहुत अवेयरनेस है, लेकिन जो भाई दूसरे स्टेटों से हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस बात का, या तो अपनी पंचायतों में बढ़िया बुल बढ़िया सांड छोड़ दें, या फिर अच्छे सीमन का चुनाव करें, ताकि आपके घर पे भी बहुत अच्छी कटड़े कटड़ियाँ पैदा हों, जो कि ज़्यादा दूध इन आगे जाके दे, और कटड़े नस्ल सुधार में काम करें, और कटड़ियाँ बढ़िया दूध की निकलें। बहुत बढ़िया बातें आज हमें प्रोफेसर साहब से जानने को मिली। तो आप देखिए बहुत ही शानदार कटड़ा, और जो ये एरिया है सबसे बढ़िया तो मेरे को ये एरिया यहाँ आके लगा, बहुत ही हरियाली है, पॉपुलर की जो खेती है वो प्रोफेसर साहब हमें बता रहे थे, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ लगता है, और जो फैक्ट्री है जहाँ जो ये प्लाईवुड का काम होता है वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इस एरिए में आके सेट हो गई हैं, और बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही बढ़िया वातावरण, और जो इन्वायरमेंट भी प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कटड़ा। देखिए बहुत ही शानदार, कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा कटड़ा, और जो प्रोफेसर साहब ने जो मेहनत की है, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा इनका कटड़ा। और अगर कोई पशुपालक भाई या कोई डॉक्टर इस एरिए का या कहीं बाहर से भी ट्रंप का सीमन लेना चाह रहे हैं, तो नीचे स्क्रीन में नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। जितने भी भाई देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।